है गाइस, डॉक्टर देवेंद्र राठौर हियर। वेलकम टू मॉडर्न हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। बात करेंगे कैल्शियम डेफिशिएंसी के बारे में। कैल्शियम एक तरह से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है, मिनरल कैटेगरी में आता है और अक्सर देखा जाता है कि इसकी डेफिशिएंसी के कारण कई बार कोई सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते, लेकिन अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है तो अलग अलग तरह के सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। साथ ही अगर इसकी डेफिशिएंसी लंबे समय तक चलती जाती है तो हमें कन्वर्जन, मेंटल डिसऑर्डर से लेकर हमारी हड्डियों तक की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो आज उसी विषय पर चर्चा करेंगे। मैं आपको कुछ मेन डिसीजेस के नाम बताऊंगा जो कि कैल्शियम डेफिशिएंसी के कारण होती है, तो आप उस चीज़ों के बारे में जानेंगे तो होप सो आप उस चीज़ को प्रिवेंट कर पाएंगे, ठीक है। तो आज उसी विषय पर चर्चा होगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए अगर आप सारी अपडेट्स सबसे पहले देखना चाहते हैं। तो अगर देखा जाए कैल्शियम की डेफिशिएंसी के कारण सबसे पहली एक चीज़ होती है मसल से रिलेटेड, ठीक है। मस्कुलर वीकनेस बहुत कॉमन चीज़ होती है। कैल्शियम की डेफिशिएंसी अगर आपको होती है तो मस्कुलर वीकनेस अपने को देखने को मिलती है। मसल्स में स्पाज्म आते हैं, जैसे कई बार आपने देखा होगा मसल्स फड़कना, आँखें जो पलकें हमारी फड़कती हैं वो भी कैल्शियम डेफिशिएंसी के कारण भी फड़कती है, ठीक है। तो मस्कुलर स्पाज्म आना, मसल्स पेन रहना, ठीक है। मस्कुलर मसल्स में एक तरह से देखा जाए तो एक प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं रहना, ये सारे कैल्शियम डेफिशिएंसी के सिम्टम्स देखने को हमें मिलते हैं। अब बात करते हैं कि मस्कुलर अगर प्रॉब्लम है कैल्शियम डेफिशिएंसी तो किस तरह के और सिम्टम्स हमें साथ में देखने को मिलते हैं। तो सेकंड पॉइंट ये है कि फैटिगनेस, अगर आपको मस्कुलर प्रॉब्लम देखने को मिल रही है तो आपको थकान, एक्सट्रीम टाइप ऑफ थकान, मतलब अगर देखें तो व्यक्ति को कुछ काम करने की इच्छा ही नहीं होती है, कुछ भी लेदर्जी फील होगी, थकान फील होगी, ब्रेन फॉग जैसा लगेगा, उसे सिर उड़ा उड़ा सा लगेगा, उसे हमेशा ऐसा लगेगा कि उसे कुछ काम कर रहा है वो थोड़ा सा काम करने के बाद थकान सी महसूस होती है, तो उस वाली कंडीशन में भी कैल्शियम की डेफिशिएंसी हम रूल आउट करते हैं, ठीक है। सो थर्ड पॉइंट इज दैट नेल, फिंगर नेल, अगर हम बात करें स्किन के साथ साथ हेयर, ठीक है, ये तीनों चीज़ों को कैल्शियम की डेफिशिएंसी प्रभावित करती है। और कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है तो आपके नेल्स कैसे होते हैं, ड्राई रहते हैं, ब्रिटल्स रहते हैं, ठीक है। और हेयर के बारे में कहें तो हेयर ड्राई रहेंगे, ब्रिटल्स रहेंगे, झड़ने लगेंगे, बालों का झड़ना जो रहता है वो स्टार्ट हो जाता है। साथ ही अगर हम बात करें स्किन ड्राइनेस बढ़ जाती है, साथ ही स्किन के रिलेटेड जो कंप्लेंट्स होती है फंगल इन्फेक्शन या ड्राइनेस वो हमें देखने को मिलती है। फोर्थ पॉइंट इज दैट प्री मेंस्ट्रुएशन सिंड्रोम, ठीक है, PMS, बहुत ज़्यादा सीवियरिटी। PMS एक जनरली सिंड्रोम होता है जो मेंस्ट्रुएशन से पहले होता है, अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है तो ये वाली कंडीशन हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। पांचवा पॉइंट, कैल्शियम की डेफिशिएंसी अगर आपको होती है तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी होने से आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस वाली जैसी कंप्लेंस देखने को मिलती है, ठीक है। ऑस्टियोआर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी कंप्लेंस है तो आपको क्या होता है कि जो बोन होती है हमारी सबसे ज़्यादा कैल्शियम को होल्ड करके रखती है, और कैल्शियम से रिलेटेड जितना भी अगर हम देखें उसके अंदर कैल्शियम की कमी होने के कारण हमारी बोन में आर्थराइटिस होने की संभावना होती है। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब आपकी हड्डियाँ बिल्कुल भंगुर जैसी हो जाती है, मतलब बोलते ना कि हड्डियां बहुत कमजोर है, जरा सा भी आपको ब्लो लगा, चोट लगी तो आपकी हड्डियां टूटने की संभावना रहती है, तो उस वाली कंडीशन को भी कैल्शियम की कमी हम रूल आउट करते हैं। अब बात करते हैं कैल्शियम की कमी के और क्या रीज़न हो सकते हैं। तो छठा रीज़न हमारे दांतों की प्रॉब्लम अगर आपको ज़्यादा होती है, कुछ लोगों में दांत घिसने लग जाते हैं, दांत धीरे धीरे देखा जाए तो कैविटीज़ बढ़ने लगती है, परेशान हो जाते हैं लोग, और दांतों की प्रॉब्लम जो होती है वो भी कैल्शियम की कमी से स्टार्ट होती है। लास्ट पॉइंट, सेवन पॉइंट इज़ दैट डिप्रेशन जैसी समस्या भी कैल्शियम की कमी से देखी जाती है। कैल्शियम और विटामिन डी का एक बहुत बड़ा रोल होता है डिप्रेशन जैसी बीमारी में। तो ऑब्वियसली अगर आपको डिप्रेस्ड मूड रहता है, लो मूड रहता है, थकान रहती है, तो यू शुड चेक योर कैल्शियम लेवल एंड विटामिन डी लेवल। तो ये था व्यू कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी से आपको क्या क्या रोग हो सकते हैं, क्या चीज़ें आपको हो सकती है। अब बात करते हैं कुछ फूड के बारे में, जनरल फूड बता रहा हूँ, और भी कई बीमारियाँ होती कैल्शियम की डेफिशिएंसी से, कन्वर्जन अगर देखा जाए तो स्किन से रिलेटेड जो रहता है बहुत ज़्यादा अगर देखें तो लीड करती जाती है कॉम्प्लिकेशंस में। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो कुछ हमारी डाइट पर डिपेंड करता है, जो डाइट रहती है एज बढ़ने के साथ साथ आप अपनी डाइट को कंट्रोल करते जाए
डेयरी प्रोडक्ट्स में काफ़ी अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है, वो आप ले सकते हैं। नट्स में काफ़ी अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है, ठीक है, वो आप ले सकते हैं। कुछ लोग एग शेल्स जो होता है, एग शेल्स का भी सेवन करते हैं ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर, करेक्ट द कैल्शियम डेफिशिएंसी। और अगर आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी है तो मेक श्योर यू शुड स्टार्ट अ कैल्शियम सप्लीमेंट, ठीक है। तो कैल्शियम सप्लीमेंट सेफ रहता है, आप स्टार्ट कर सकते हो होम्योपैथी में कैल्केरिया फॉस 6x 3x आप स्टार्ट कर सकते हो, 4 टैबलेट 3 times a day इट कैन बी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा जो आपकी कैल्शियम डेफिशिएंसी रहेगी उसको करेक्ट करने में। तो ये था मेरा वीडियो ऑन कैल्शियम डेफिशिएंसी, होप सो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा ताकि आने वाली हर अपडेट मिलती रहे। अगर आपको कोई सा भी क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके कमेंट सेक्शन में या फिर स्टोरी पर टैग कर देना, मैं आपके क्वेश्चन का ज़रूर आंसर करूँगा। थैंक यू सो मच गाइज़, जय हिंद जय भारत।